हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट दिल्ली के अंतर्गत जो है वैकेंसी निकाली गई है, इसमें जो है पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आवेदन है ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है और इसकी जो योग्यता है वो वैकेंसी के हिसाब से है। तो इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी PDF में बता दूँ, लेकिन अगर इससे पहले अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे और सारी वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आपको मैं बता दूं, ये महिला और बाल विकास विभाग की जो भर्ती है, इसमें 187 ब्लॉक परियोजना समन्वयक की जो वैकेंसी है, इसमें 10वीं स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी है, इसमें शैक्षणिकता ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और 6वीं होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर सलाहकार मुनीम प्रोजेक्टर ऑफिसर ऑफिस मैनेजर चपरासी जिला समन्वयक जिला परियोजना सहायक ब्लॉक समन्वयक और ब्लॉक परियोजना समन्वयक सहायक। तो इसके अंतर्गत आप जो है 21/4/2020 यानी 21 अप्रैल यानी आज जो है इसकी वैकेंसी निकाली गई है और इसकी लास्ट डेट जो है 11/5 यानी 11 मई 2020 है। और इसमें जो एज है, आयु सीमा है, वो 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी जो आपको बता दें, आवेदन आपका जो है वो ऑनलाइन होगा, तो इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और आवेदन फीस के लिए आप पेज भी देख सकते हैं, आवेदन में शुल्क है, इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। तो अब हम पहुँचते हैं साइट पर। साइट पर पहुँचने के बाद ये जो साइट है ये आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखकर मिल जाएगा। यहाँ पर ये साइट आप टाइप भी कर सकते हैं, CAMS.WCDDEL.IN की जो वेबसाइट से आप यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये जो पोर्टल है इस पर आपको एक सारणी दिखेगी, इसमें एडवर्टाइजमेंट है, यानी इसमें आपको क्लिक कर यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वाइज डाउनलोड एडवर्टाइज जो भी है। तो आप इसे इस पर क्लिक करते हैं और आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF डाउनलोड हो रहा है, तो जो ये PDF है ये देखिए ये जो आ चुका है, इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली डिपार्टमेंट के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास की जो भर्ती निकाली गई है। तो इसमें जो है आप अपनी सारी जो है पोस्ट यहाँ पे दर्शाई गई है, पेमेंट दर्शाई गई है। तो ये जानकारी आप PDF डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट है वो 11 मई 2020 है और इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो वेबसाइट है वो भी इसमें दी गई है, तो वो भी मैं करके बता दे रहा हूँ। आवेदन आप इस पर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ और जानकारी के लिए आपको सबसे पहले PDF में यहाँ से अपनी योग्यता देखनी है कि किस वैकेंसी में कौन सी योग्यता अनिवार्य है। तो आप यहाँ से सारी जानकारी PDF से पढ़ सकते हैं। अब हम आवेदन करके बताने वाले हैं कि जो है आप आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है क्लिक फॉर अप्लाई रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज खुलता है। इस पर आपको यूजर रजिस्ट्रेशन पैनल है, तो यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले 10th का रोल नंबर दर्शाना है, यहाँ 10th का पासिंग ईयर देना है। इसके बाद 10th इसमें कितने परसेंट है वो परसेंटेज आपको यहाँ चढ़ाने हैं। यहाँ पे आपको 12वीं के परसेंटेज लिखने हैं। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है, पिताजी या माताजी किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि यहाँ भरनी है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस आपका है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना, तो स्टेट में आपका दिल्ली ही रहेगा, दिल्ली की वैकेंसी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ से न्यू दिल्ली, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, तो यहाँ पे जिस भी क्षेत्र से आप हैं उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। आप बता दें ये जो वैकेंसी है ये केवल दिल्ली के निवासियों के लिए है, इसमें अदर स्टेट से कोई आवेदन नहीं कर सकता है। तो इसमें जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको देना है। यहाँ पर आपको एज बार जो जानकारी दी गई है इसमें आपको जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है उसके हिसाब से आपसे यहाँ जानकारी पूछी गई है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जानकारी को पढ़ लीजिए कि आपकी जो एज है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से है, तो यहाँ यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस कर देना है।
यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे कास्ट कैटेगरी कैटेगरी चुनना है जनरल ओबीसी एससी एसटी, और इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ देना है कि दिल्ली के आप निवासी हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बैंक पासबुक या फिर निवास प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका जो है आवेदन लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस टाइप से आपकी जानकारी आपको चेक करनी है। और जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आगे की प्रोसेस मिलती है। इसके बाद है जो है आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाई की जो है डिटेल आती है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक करना है। तो दोनों में से एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जिसमें आप फॉर्म डालना चाहते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है थोड़ी प्रोसेस के बाद आपको अपना जेंडर फिर से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना कास्ट सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अपना जो है डिटेल देना होगा। डिटेल देने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दर्शाना है, अपनी योग्यता दर्शानी है। तो सेकंड नंबर पर जो है आपको यहाँ से अपना जो है टेंथ पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टेंथ की डिटेल देनी है, यहाँ ट्वेल्थ की डिटेल देनी है, यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है यदि हो तो। इसके बाद प्रोफेशनल यानी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ दे सकते हैं। ये देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दर्शाना होगा। एक्सपीरियंस सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में आपको बताना होगा कि आपके पास पहले आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, यस हिंदी पढ़ सकते हैं, यस इसके बाद स्पीकिंग यानी बोल सकते हैं तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं तो यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न यानी आप लिख सकते हैं तो आप अगर लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश तो आपको यहाँ यस करना होगा। इसके बाद आपके पास कोई और भाषा है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कशॉप यानी यहाँ पर ट्रेनिंग कहीं से ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ दर्शा सकते हैं। और यहाँ से आपको यदि आप एम्प्लॉई हैं, आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एक्सपीरियंस दर्शाना होगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई और डिटेल है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ यानी फोटो अपलोड करना होगा तो आप यहाँ पे जाकर अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना इसी टाइप से सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट फॉर्म करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।